ऑसम सो बेसिकली आपको आपको अगर चार्ट पैटर्न्स आती है है बेसिक्स पता है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा चार्ट पैटर्न्स जैसे कि डबल डबल टॉप बॉटम हेड एंड शोल्डर्स ट्राइंगल्स रेक्टेंगल्स बेसिकली साइडवेज मार्केट फ्लैग पैटर्न एंड और भी बहुत तरीके की पैटर्न्स आपको अगर बेसिक्स भी पता है तो ये वीडियो में से आप बहुत कुछ सीख पाओगे एंड इन पैटर्न्स जो आपने सीखी हुई है उसमें मास्टरी के लेवल तक जाओगे मैं आपको पांच चीजें बताऊंगा एक एक करके जो आपको हेल्प करेंगी ट्रेड करने के लिए सो so, चलो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी का वीकली चार्ट है मैं निफ्टी के वीकली चार्ट में मैंने क्या करा मैं पीछे 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 पीछे, पीछे और पीछे आ गया हूँ विच इज मोटा मोटी यहाँ पे आ गया मैं 1998 के आसपास सो टेक्निकली आई एम वेरी फार एंड हम पांचों चीजें एक एक करके सीखेंगे सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा वो ये है दैट जो हमें किताबों में डबल बॉटम बताया जाता है शायद रियलिटी में या रियलिस्टिक मार्केट में वैसे डबल बॉटम्स हमें नहीं मिलते हैं कोई भी चार्ट है इनफैक्ट वैसी एक्यूरेट एग्जैक्ट बहुत ही कम होते हैं मार्केट अपनी चाल चलता है हमें मार्केट की चाल के हिसाब से समझना होता है कि मार्केट अब कहाँ जाएगा और क्या करेगा सो so बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले दिस इज़ डिसम्बर नाइनटीन दिस इज़ अ डबल बॉटम एंड यू कैन से दैट वॉज द ब्रेक आउट उसको डिलीट करके थोड़ा सा अच्छे से ड्रा करूँ मैं सो so, यहाँ पे मार्केट पहले नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया एंड एंड इट गोज आप एंड दिस वॉज द पॉइंट ऑफ अ ब्रेक आउट सो ये तो एक किताब के हिसाब से बिल्कुल सही है अब इसमें आप एक चीज़ जो आप एड कर सकते हो विच इज़ वॉल्यूम्स सो जब आप वॉलीम ऐड करते हो ऐसी कोई पैटर्न में एंड वो टाइम पे हमें एक चीज़ जो है वो कंफर्मेशन चाहिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से वो है वॉल्यूम्स सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेड में वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पे भी रेड में ज़्यादा है एंड ग्रीन में कंपैरेटिवली कम है कंपेरेटिव टू रेड कैंडल्स मतलब रेड में जब मार्केट नीचे आ रहा था फिर से सब कुछ डिलीट करके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जब ये फेज़ रहा मार्केट का तब आप वॉल्यूम देखो क्या है एंड जब मार्केट ऊपर आया तब वॉल्यूम देखो कम है फिर मार्केट नीचे आया यहाँ पे ये फेज में तो वॉल्यूम बढ़ गया फिर जब ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम घट गया सो दिस इज नॉट द आइडियल सिनारियो ये अच्छा या सही सिनारियो नहीं है सही सिनारियो क्या है या राइट सिनारियो क्या है मार्केट में कि जब मैं यहाँ पे एडिटिंग टीम को कहूँगा आपको इसी चार्ट पे नीचे वॉल्यूम्स के साथ थोड़ा सा प्ले आउट करके बता दे सो so बेसिकली जब मार्केट गिरे तब वॉल्यूम कम हो जब मार्केट बढ़े तब वॉल्यूम ज़्यादा हो जब मार्केट गिरे तब वॉल्यूम कम हो एंड फिर जब मार्केट बढ़े तब वॉल्यूम ज़्यादा हो ये जो नीचे आप देख रहे हो दिस इज द आइडियल सॉर्ट ऑफ इन वॉल्यूम सिंस यहाँ पे ये यह नहीं है सो द स्टॉक और द चार्ट पैटर्न इज नॉट पास्ट इसे आप टिक नहीं दे सकते हो इट्स नॉट राइट थिंग सो दिग पॉइंट फिर दूसरे आगे चलते हैं हम ए ना हम आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह देखने वाले हैं सो यू डोंबाउट दैट या देन उसके बाद में अगर आप ये फेज देखोगे मार्केट नीचे आया ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया सो so, यहाँ पे ये ग्रीन वॉल्यूम ज्यादा है कंपेरेटिव टू रेड वॉल्यूम सो दिस इज द गुड सिनारियो ये सही सिनारियो है जहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं या ट्रेड ले सकते हैं सी टेक्निकल एनालिसिस शेलोली सीखना बहुत आसान है शेलोली मतलब ऊपर ऊपर की चीजें सीखनी बहुत आसान है टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट द आर एवरेज बट रियल पैसे तब बनते हैं जब हम डीप में जाते हैं इस दुनिया के अंदर इस टेक्निकल के एनालिसिस दुनिया के अंदर आप जितना डीप जाओगे उतनी आपको चीजें निकल करके आती जाएंगी एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग जो आप चार्ट पैटर्न के अंदर सीख सकते हो और भी चार पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा चलो देन उसके बाद में हम आगे जाए अगली पैटर्न की और अगली पैटर्न की ओर एंड अगले पॉइंट की ओर हमारे सब यहाँ पे देख पाओगे 2003 का एक बॉटम है जहां पे मार्केट गिरता है इस तरीके से शार्प फॉल देन यहाँ पे ऊपर आया फिर नीचे गया फिर ऊपर आया फिर नीचे गया फिर ऊपर आया सो दैट इज बेसिकली योर हेड एंड शोल्डर पैटर्न अ प्रॉपर हेड एंड शोल्डर इन द बॉटम सो so, यहाँ पे आप अगर देखोगे जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है जो आप चार्ट पैटर्न्स के अंदर देख सकते हो पहला था वॉल्यूम दूसरा था है साइज फ्रीक्वेंसी एंड कलर ऑफ कैंडल्स सो इसको डिलीट कर देते हैं एंड देन एक बॉक्स बना लेते हैं हम इस तरीके से सो so, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसमें आप देखो साइज़ फ्रीकुंसी और कलर सो यहाँ पे मुझे बताओ किसकी साइज़ ज़्यादा है यहाँ पे वन बिग रेड बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो सारे जितने भी रेड है ऑल रेड्स आर स्मॉल यहाँ पे ग्रीन सारे मीडियम साइजेस की है सो इफ यू सी इट नॉट एक्सट्रीम बिग ग्रीन सो साइज में आई कैन से इक्वल हो जाता है कॉम्पिटिशन देन कम्स अ फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यहाँ पे अगर आप गिनोगे सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन

इट शुड बी अ क्लियर विन अगर आपको बुलिसनेस की साइड पे जाना है तो इवन दो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है दैट इज अ डिफरेंट सिनारियो लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिखा रहा हूँ वो ये टू बी ऑन लाइक सिंगल हैंडेड विनर होना चाहिए कोई ना कोई सो यू गो हर ऑन अदर लेट्स और कोई चार्ट पैटर्न पे हम आते हैं एंड वहां पर हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं नाउ इफ यू सी दिस टॉप ऑफ टू थाउजेंड सेवन ऑन अ बैरिश साइड अगर मैं यहां से टॉप गिनू इफ आई कंसिडर दिस बॉक्स इस तरीके से सो इन दैट सिनारियो आंखों से क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि देर आर सुपर बिग रेड कैंडल्स सो जो साइज फ्रीक्वेंसी कलर का जो कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पे जितने भी ग्रीन है मोस्ट ऑफ द ग्रीन आर एक्सट्रीमली स्म सीधस दिस यहाँ पे सारे ग्रीन सी दस एंड बल्कि जब रेड है यू हैव सुपर बिग रेड सुपर बिग रेड सुपर बिग रेड यहाँ पे ये देखो सुपर बिग रेड ट इवेंचुअली बिकम्स द टॉप ऑफ टू थाउजेंड से तीन हजार आठ सौ रुपया हो गया सो साइज फ्रीक्वेंसी कलर में क्लियर विन होना चाहिए अगर आपको बाय करना है लेट से आप यहाँ पर हो आपको बाय करना है तो क्लियर विन होना चाहिए ऑन अ बुलिश साइड अगर ये साइडवेज है तो साइज इट्स इट्स एन विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्लियर विन होना चाहिए बुलिश साइड पे देन वी कैन से ओके दैर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखोगे ये डबल टॉप बनता है मार्केट ऊपर जा कर के एंड मार्केट नीचे आता है सो so, ये जो साइडवेज बना ऑन द टॉप सी द साइज फ्रिक्वेंसी कलर मैं डिलीट करता हूँ नाउ सी ग्रीन देखो कितने हैं और साइजेस क्या है हर ग्रीन में शेडो है रेड देखो देर आर सम गुड स्ट्रॉन्ग रेड्स यहाँ पे एंड ये कन्फर्मेशन यहाँ पे सो so, जितना स्ट्रोंगर कलर है जितना स्ट्रोंगर साइज है जितना कंसिस्टेंट फ्रीक्वेंसी है वो बेटर है ट्रेड करने के लिए ऑन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑसम उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है जो आप चार्ट पैटर्न्स के अंदर देख सकते हो जो आई कैन से किताब ही नहीं है पर डेफिनेटली जब आप एग्जीक्यूशन मोड में जाओगे तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली ये काम आएगा लेट्स हम इसको एक साइडवेज मार्केट बनाते हैं एंड जब उस एक साइडवेज मार्केट में अगर आपको एक हायर बॉटम मिलता है एक साइडवेज मार्केट में अगर आपको हायर बॉटम मिलता है तो वहाँ पे उन सिनेरियो में दिस इज अ गुड साइन ये एक अच्छा साइन है ये एक अच्छा इंडिकेशन है दैट मार्केट कैन मूव अप लाइक अ रॉकेट ठीक है सो जब जब आपको एक साइडवेज मार्केट में हायर बॉटम्स मिले वो एक अच्छे इंडिकेशन जो मैं आपको और एक हाथ दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ सो so, ये हायर बॉटम्स uh, आपको हेल्प करेंगी टू फिल्टर आउट योर ट्रीट्स एंड देन यू सीन अ बिग डाउन फ्रॉम 5000 थाउजेंड टू टू इट वाज अ कोरोना क्रैश बेसिकली कोरोना वाला बेयर मार्केट है वो ओके सो यहाँ पे आप देखिए देखोगे तो और दो इंटरेस्टिंग से मूव है यहाँ पे

बट स्टिल आपको यू यू हैव दैट कंसोलिडेशन फेज जहाँ पे मार्केट वहीं का वहीं पे है प्राइजेज वहीं के वहीं पे है एंड वी हैव अ गुड आफ्टर लाइक उसके बाद में एक अच्छा सा अप मूव भी आपको वहाँ पे देखने मिल रहा है सो so, जब भी इस तरीके की चीज़ें मिलती है इट्स अ गुड बुलिश साइन अपार्ट फ्रॉम दैट आप और एक चीज़ यूज़ कर सकते हो जो मेरी पर्सनल फेवरेट चीज़ है अगर आपने मुझे यूट्यूब पर इनफ सुना हुआ है हमारे सैकड़ों वीडियोज़ में तो आपको एक चीज पता है दैट आई एम अ बिग फैन ऑफ ट्रेंड भाव भगवान छे, प्राइज सुप्रीम सो so यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट पे जाओगे तो एक ओवरऑल अपट्रेंड होना चाहिए जो मार्किंग्स हमें यहाँ पे मिल गई एंड मैं कह रहा हूँ जो करंट ट्रेंड है वो एक बुलिश गुड अप ट्रेंड में होना चाहिए एक सुपर अप ट्रेंड में होना चाहिए जो पहले में तो डाउटफुल है मुझे बट दूसरे में डेफिनेटली इसको और आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप मूविंग एवरेज ऐड कर सकते हो मे बी यू कैन ऐड अ 44 मूविंग एवरेज आप एक 44 मूविंग एवरेज ऐड कर सकते हो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको 30 को 44 फोर करते हैं यहाँ पे ब्लू करते हैं या सो अगर 44 फोर मूविंग एवरेज राइजिंग है एंड डेली में ये ऐसा कुछ आपको मिलता है या कोई भी चार्ट पैटर्न मिलता है इट्स अ गुड बोलिश साइन इट्स अ लाइक वो होता है ना कि स्टैंप लग गया कि ये अच्छा ट्रेड है यहाँ पे अगेन हर चीज स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी होती है वो शायद मुझे बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप अगर इतना एडवांस वीडियो देख रहे हो जो मैं आपको अभी तक चीजें बता रहा हूं नॉट अ बेसिक एंड एक बिगिनर के लिए या थोड़ा सा बाउंसर जाएगा ठीक है सो कमेंट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको समझा या आपको बाउंसर गया सो यू कैन जस्ट राइट दैट इन द दमेंट दैट समझा और बाउंसर या बट डेली में आपको बाय करना है तो लेट्स अ वीकली हैज बी राइजिंग और किसी भी फॉर्मेट में एक राइजिंग स्टॉक होना चाहिए सो दैट्स बेसिकली हायर टाइम फ्रेम रूल कि आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश होना चाहिए तेजी में होना चाहिए एंड उसके बाद में जो आखिरी पॉइंट है वो है आइडियल लेंथ जो एक चार्ट पैटर्न का जो आइडियल लेंथ होता है वो मोटा मोटी टू टू थ्री मंथ होता है सो कोई भी चार्ट पैटर्न अगर आपको दो से तीन महीने में बनती हुई दिखे तो वो एक आइडियल चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली लॉन्गर चार्ट पैटर्न डू वर्क बट स्टिल जो किताब के हिसाब से ये एक परफेक्ट है न? आपको चार्ट पे भी मतलब लाइव मार्केट में भी उसी तरीके की चीजें दिख जाएगी अब आप डेली चार्ट पे ट्रेड करते हो तो वो टू थ्री मंथ मैं आपको बोल रहा हूँ so आप one minute के time frame में जाओगे मैं आपको महीने वो एक logical बात नहीं है, तो वहाँ पे आप सेम रूल यूज कर सकते हो जो फोर्टी टू 60 कैंडल रूल है वो अपना सकते हो तो यहां पे अगर आप देखोगे ये निफ्टी का चार्ट है, and निफ्टी के चार्ट में इफ यू सी सो डबल बॉटम का मेजरमेंट मैं अगर यहां से इस तरीके से लू देन यू विल सी सम अराउंड फोर्टी कैंडल्स करीब करीब फोर्टी एग्जैक्ट फोर्टी कैंडल्स इनफैक्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है इसी तरीके से मैं और दो चार चार पैटर्न देखते हैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ मैं यहाँ पर भी एक डबल बॉटम है बॉटम में सो दिस इज ऑल्सो डबल बॉटम एंड इफ आई सी स्टार्ट मैं अगर डबल बॉटम का करूँ फ्रॉम दिस टॉप टू दिट्स दिस ब्रेक आउट तो यहाँ पर एक सत्रह कैंडल का ही है विच इज़ नॉट फिटिंग टू अवर आइडियल पिक्चर सिनारीो और हम देखते हैं पीछे जा करके यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन है जो मुझे लग रहा है तीन महीने से ज्यादा जा रहा है ये तो यहाँ पे यू यू हैव मोर है थ्री एंड हाफ फोर मंथ जैसा हो गया एक सौ तो सात कैंडल मतलब सो so ये तीन चार चार महीने से ज्यादा हो गया बट अगेन अराउंड वो दैट शुड बी योर आइडियल आई कैन से आइडियल मेजरमेंट जिसे कहते हैं थ्री टू टू थ्री मंथ शुड बी योर आइडियल मेजरमेंट जहाँ पर आपको एक अच्छे चार्ट पैटर्नस uh, देखने को मिल जाएंगे एंड ट्रेड करने को मिल जाएंगे सो so, यहाँ पर अगर आप देखोगे सो वी हैव वन अ गुड साइड वे साइड द टॉप ले यहाँ से लेता हूँ एंड लेट्स कंसिडर दिस टू बी साइड वेज सो मोटा मोटी ये सिक्सटी सिक्स कैंडल्स हो गए ये जो मैंने साइड वेज बनाया है वो सो अगेन इट फिट्स इन टू गुड साइड वेज इन डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ तो वो बैरिश काउंट होगा आपका ब्रेकआउट उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो अगेन 46 सिक्स कैंडल हुआ जो बुलिश साइड पे ब्रेकआउट हुआ तो अगेन इट्स आइडियल मेजरमेंट तो जब भी आप ट्रेड करो आप इस तरीके से एक मेजरमेंट लगा करके देख सकते हो कि आपका चार्ट पैटर्न एक आइडियल सिनारियो में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है बाई द वे पाँच पॉइंट मैंने आपको बताया सबसे पहला था वॉल्यूम दूसरा था साइज़ फ्रीक्वेंसी कलर तीसरा था हायर बॉटम्स चौथा था हायर टाइम फ्रेम्स एंड पाँचवा था आइडियल लेंथ इन पाँचों में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे कमेंट करके बताना अगले हफ्ते कौन सा वीडियो देखना चाहोगे क्या इस तरीके के एडवांस वीडियोज़ आप देखना चाहोगे कि नहीं देखना चाहोगे इन सारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट में पंद्रह सेकेंड लगेंगे रिप्लाई करने सो मेक यू रिप्लाई एंड देन यू गो टू अदर वीडियो बाकी आई एल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉटेंट थिंग टू मेक मनी